नमस्कार और आदाब दोस्तों, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित साथियों और अदर चिटफंड कंपनी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसईएल की कोई खबर हमें गोद मीडिया के चैनलों पर नहीं मिलती। दोस्तों, अपने पैसे को लेकर अपनी खैर खबर खुद रखनी पड़ती है। इस वक्त निवेशकों की दौड़ एजेंटों तक है और एजेंट निवेशकों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से संभालने पर लगे हुए हैं। ऐसी जिम्मेदारी है दोस्तों, मेरे ऊपर भी है। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि जब से 2,500 और 5,000 का प्रोसीजर चालू किया है, हमारी परेशानियां सेबी ने अपने या दोस्तों सेबी ने हमारी परेशानियाँ और बढ़ा दी हैं। क्योंकि सीधे तौर पर निवेशक एजेंट से आकर यही कहता है कि भाई पैसे मिलने का प्रोसीजर चालू है, हमारा पैसा ला के दो, हमें जल्द से पैसे की ज़रूरत है। कुछ ऐसी ही मुश्किलों का सामना हर एक एजेंट को करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मेरे गर्दन पर जो इस वक्त तलवार है वो एक यूनिट जो मैंने छोटी मोटी लगाई थी दोस्तों, उन 20-25 एजेंटों, ऑर्गेनाइज़र और फील्ड ऑफिसरों की परिस्थितियाँ जिस हालात में हम गुजर रहे हैं दोस्तों, वो सब आपसे बयान नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब स्थित मानसा में 30 लाख निवेशकों की संघर्ष चल रहा है, जिसके संदर्भ में हमें एक न्यूज़ मिली है जिसको दैनिक भास्कर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। दोस्तों, अगर बड़े चैनलों पर भी निवेशकों की संघर्षपूर्ण न्यूज़ दी जाती तो उससे मौजूदा सरकार की दोगली राजनीति का भांडा फूटता और हिंदुस्तान की आवाम को इस मैटर को हटाने के लिए, या दोस्तों हिंदुस्तान की आवाम के सामने से इस मैटर को हटाने के लिए गोद मीडिया का सहारा लिया गया और इनकी आरपीटी की भरपाई पूरा जिम्मा इन लूटने वाली कंपनियों वाले सत्ता, जी हाँ दोस्तों, इनको लूटने वाली इन कंपनियों को लूटने वाले जो सत्ताधारी रूपी भेड़िए हैं, ये इनकी बड़े चैनलों की पूरी आरपीटी जो भी होती है उसकी जिम्मेदारी इन ठगों के ऊपर है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे हालात हिंदुस्तान में बंधे हुए हैं। और रही बात इन गोद मीडिया की, तो दोस्तों अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। तो दोस्तों, जब पूरे करोड़ों रुपया इनका भरने के लिए यहाँ पर ये सफ़ेद रूपी भेड़िए मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी निवेशकों की रकम को, जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक ही कंपनी की बात करें तो पीएसएल की 5,75,00,000 निवेशकों के, जी हाँ दोस्तों, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा हो जाएंगे, 49,100 करोड़ रुपए की लूट इस वक्त हिंदुस्तान में की गई है। तो दोस्तों, उसको छुपाने के लिए गोद मीडिया का सहारा लिया गया, उनके अपोजिट में न्यूज़ें दी जाती हैं। तो दोस्तों, उन न्यूज़ों में सीधा सीधा इन कंपनियों को, जी हाँ दोस्तों, रजिस्टर्ड कंपनियाँ जो 30-40 साल से लगातार हिंदुस्तान में अपने कार्य को सही तरीके से चलाती आ रही थी और समय से अपना TDS और अपने जितने भी इनके ऊपर टैक्स होता था सही तरीके से दिए जा रहे थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े चैनल वालों ने इस वक्त कहीं से कहीं तक निवेशकों के हितों में कोई खबर नहीं देते। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने पैसों के लेकर खुद अपनी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया का बोलबाला है और यही वजह है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने पीड़ित परिवारों से जुड़े हुए हैं और अपनी हर खबर को अपने भाइयों और बहनों तक पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं कि बड़ी खबर आज हमारे पास, जी हाँ दोस्तों, आज 13 दिसंबर है और क्या निकल कर आई है। दोस्तों, हमारे सामने इस वक्त जो बड़ी न्यूज़ है, उस न्यूज़ में एक और कंपनी भागी है, उस कंपनी की न्यूज़ दी हुई है। लेकिन दोस्तों, उस कंपनी की न्यूज़ का जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस न्यूज़ का लेख बड़ा है, लेकिन जो इस वक्त पल्स निवेशकों के लिए आई है वो बहुत छोटी न्यूज़ है। तो उस न्यूज़ को हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये पल्स निवेशकों की न्यूज़ इसमें आई हुई है। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अधिक ब्याज का झांसा देकर मोटी रकम चिटफंड में लगाई, सजा का स्वागत लेकिन आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच हो। जहां दोस्तों, महेंद्र
सिंह दामगढ़ जी की ये न्यूज़ इस दैनिक अखबार में आई है और इस न्यूज़ में उन्होंने सीधा सीधा ये लिखा है, जैसे कि आप दोस्तों हम आप लोगों को इनकी न्यूज़ देते रहे जब तक इनका संघर्ष चलता रहा था। दोस्तों यहाँ पर इस वक्त न्यूज़ ये है कि इन्होंने अपने तौर पर आरोपियों को जेलों में तो डलवा दिया, लेकिन दोस्तों अब उनकी प्रॉपर्टी का मसला है, उस प्रॉपर्टी की सही तरीके से जांच करी जाए और उसको लोढ़ा कमेटी से अटैच कराया जाए ताकि निवेशकों का पैसा मिलने में कुछ आसानी हो। तो दोस्तों ये इंसाफ की आवाज़ के जो महानायक हैं महेंद्र पाल दामगढ़ जी का कहना है कि अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन इस सज़ा से ठगी का शिकार हुए लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनी में 30 लाख लोग जो इनके पंजाब स्थित, जी हाँ दोस्तों इनके पंजाब के 30 लाख लोग इस कंपनी से पीड़ित हैं। पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो 5,85,00,000 हैं दोस्तों, लेकिन यह खबर जो आई हमारे पास ये इसके आधार पर ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 30 लाख लोग केवल पंजाब के इस चिटफंड कंपनी पल्स में फंसे हुए हैं दोस्तों। और उसके लिए इन्होंने एक बड़ा प्रयास किया था, बड़ा संघर्ष किया था, उस संघर्ष में जो कामयाबी मिली दोस्तों वो आपके सामने है। तो दोस्तों जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी, जो पल्स की प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से बेची गई और ये निर्मल भंगू के रिश्तेदारों के द्वारा बेची गई, उसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, भूख हड़ताले की, प्रशासन को झुकाया। झुकाने के बाद आज ये सामने जो हमारे पास कार्रवाई की एक नई न्यूज़ आई है। तो दोस्तों इससे हमें बहुत अपने आप को फ़क्र महसूस होता है कि पल्स निवेशकों का संघर्ष काम आ रहा है और अपने संघर्ष के आधार पर ही पल्स निवेशकों का पैसा मिलना सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी न्यूज़ इसमें दी थी, लेकिन ये जो बड़े हेडिंग की आप न्यूज़ देख रहे हैं ये न्यूज़ क्राउन चिटफंड कंपनी के निवेशकों से ठगी मामले में कोर्ट का फैसला, 15 बरी, 2 मुख्य आरोपी फरार। यहाँ दोस्तों इस वक्त ये धांधलेबाजी हिंदुस्तान में गली कूचों में मोहल्लों में चल रही है कि चिटफंड के नाम पर ठगी की जा रही है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि इन छोला झाप छोटी कंपनियों के निवेशकों के साथ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी जिनके रजिस्ट्रेशन थे उनको पहले निशाना बनाया गया और इन छोटी कंपनियों पर कोई अभी कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि हम जानते हैं कि इस वक्त हर रोज़ 1-2 चिटफंड कंपनियां भागती हैं, हज़ारों करोड़ों रुपया निवेशकों का लेकर भाग रही हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम हर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, भले ही गोद मीडिया हमें कोई ख़बर ना दे दोस्तों, लेकिन आज वो ज़माना है कि सोशल मीडिया के आधार पर एक दूसरे को हिंदुस्तान में हो रहे गड़बड़ घोटाले सब आपके सामने दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो दोस्तों ये 13 दिसंबर की जो न्यूज़ हमने आपको दी, ये न्यूज़ हमने आपको ख़ास तौर से इसलिए दी क्योंकि घर बैठे उन निवेशकों के लिए ये न्यूज़ है जो अपनी पैसे को लेकर चिंता नहीं करते, ये सोचते हैं कि पहले उसको मिल जाए तो हमें भी मिल जाएगा, ये सोचकर इस वक्त सब अपने घर पर बैठे हैं। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे को लेकर इस वक्त संघर्ष, जी हाँ दोस्तों ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जैसा कभी आज़ादी के दौर पर बड़े बड़े नेताओं ने किया था। जी हाँ दोस्तों वो नेता जो सच्चे नेता थे, हम उनकी बात कर रहे हैं, आज के नेताओं के रूप में भेड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम गांधी जी और भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे उन महा नायकों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में इतने लोग नहीं थे जितने इस वक्त पल्स निवेशकों की ठगी में इसमें, जी हाँ दोस्तों फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि निवेशक एकजुट नहीं है और इसको एकजुटता में लाने के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बहरूप ये सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं जो इन धरना प्रदर्शन करने वाले और संघर्ष करने वाले लोगों के टांगे नीचे को पकड़ कर घसीटने पर बराबर लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि घर बैठे निवेशकों को बलगलाते हैं और इनको बुरा कहते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी बुराई
कहाँ से कहाँ तक आपके सामने हैं कि अपने पैसे को लेकर किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, और जब संघर्ष कर रहे हैं तो दोस्तों पैसा मिलना स्वाभाविक है। ये बड़ी न्यूज़ आपको दोस्तों एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे ज्वाइन बटन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को।